रखे बात, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने उन पर जुर्माना लगाने की सिफारिश डीईआरसी से की है। सरकार के मुताबिक अगर बिना सूचना के लोगों के घरों की बिजली काटी जाती है तो बिजली कंपनियों को हर घंटे के हिसाब से पेनाल्टी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार के सीधे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन कम से कम निजी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ सरकार ने पेनाल्टी लगाने की सिफारिश डीईआरसी से कर दी है। सरकार के मुताबिक एक घंटे से ज्यादा बिजली की अघोषित कटौती होने पर बिजली कंपनियों को पहले दो घंटों के लिए 50-50 रुपए और फिर हर घंटे के हिसाब से 100 रुपए जुर्माना देना होगा। 1 घंटे को रिस्टोर करने का टाइम दिया गया है, अगर एक घंटे में नहीं करते हैं तो 50 रुपए घंटा, पहले 2 घंटे पेनल्टी होगी, उसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपए होगी, 50 रुपए प्रति घंटा। सरकार के मुताबिक प्लांट पावर कट की जानकारी बिजली कंपनियों को 15 दिन पहले देनी होगी और जुर्माना लगने की सूरत में ग्राहकों के बिल में ही रकम को एडजस्ट करना होगा। पहले देखिएगा क्या होता है कि जैसे जैसे शिकायतें मिलेंगी वैसे वैसे आगे चढ़ेंगे। अभी तक शिकायत ये थी कि घंटों लाइट नहीं आती है, लाइट जाती है तो 10-10 घंटे लाइट नहीं आती, ऐसी भी शिकायतें आती थी। अगर उन्होंने किसी की 4 घंटे लाइट गई तो 4 घंटे की पेनल्टी देगी, उसको पता लगा कि 15 दिन का बिल बनेगा। हाल ही में बिजली के बढ़े दामों पर दिल्ली सरकार ने डीईआरसी से रोल बैक की भी सिफारिश की थी, जो अभी तक मानी नहीं गई है। बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश क्या डीईआरसी मानेगा, इस पर संभावना से ज्यादा आशंका ही पैदा होती है। अगर सिफारिश ना भी मानी गई तो कम से कम जनता के सामने सरकार कोशिश करने के नाम पर अपनी मजबूरी को छिपाने का काम तो कर ही रही है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट। तो सरकार अपनी तरफ से बिजली कंपनियों की मनमानी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि राजधानी दिल्ली में बढ़ सकता है बिजली का संकट। दरअसल बीएसईएस कंपनी के अस्थायी कर्मचारी पक्के करने की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पावर ग्रिड को बंद कर दिया जाएगा, जिससे आधी से ज्यादा दिल्ली में बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। क्या बिजली कंपनियों के ये तमाम कर्मचारी इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, दरअसल इन्हें बीएसईएस से नाराजगी है और साफ तौर पर इनका कहना है कि ये कम से कम 10 से 15 साल तक की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी इन्हें स्थायी नहीं किया गया। उसके अलावा इनके वेतन भी काफी कम है। अपनी तमाम मांगों को लेकर के अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने पावर ग्रिड बंद करने तक की भी चेतावनी दी है, और अगर कहा है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पावर ग्रिड भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे साफ तौर पर आधी से ज्यादा दिल्ली में बिजली संकट उठ सकता है। 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से लड़के काम कर रहे हैं, टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे इनसे काम लिया जाता है। हमारा ये कहना है कंपनी के हित में करेंगे काम, काम कर लेंगे पूरा दाम। अगर हम कानून के दायरे में हर काम करते हैं और कानून के दायरे में हम रहते हैं, मैं डीबीबी इम्प्लॉयज यूनियन का साउथ सर्कल का चेयरमैन हूँ और ये स्ट्राइक जब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी। और अभी तो हम ये कंपनी को सीधी सीधी चेतावनी है कि अभी तो शांतिपूर्वक ये लड़के बैठे हुए हैं, अगर डिमांड शाम तक पूरी नहीं हुई तो हम ब्लैकआउट करेंगे पूरी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो लाइफ बचाने वाली मेट्रो भी है। दरअसल अपने 14 सालों के सफर के दौरान ये अपने नेटवर्क में खुदकुशी की कोशिश करने वाले 166 लोगों में से 108 लोगों की जान बचाने में कामयाब रही है। दिल्ली मेट्रो ने जहां घंटों के सफर को चंद मिनटों में तय कर हमारे और आपके सफर को आसान कर दिया, वहीं कुछ लोगों ने दिल्ली मेट्रो को सुसाइड पॉइंट बना दिया। लेकिन मेट्रो के कर्मचारियों की मुस्तैदी की वजह से ऐसे मामलों में 65% लोगों की जान बचा ली गई।
दिल्ली में पिछले 14 सालों के दौरान मेट्रो नेटवर्क में खुदकुशी की कोशिश के कुल 166 केस सामने आए। इनमें से 108 लोगों की जान मेट्रो स्टाफ ने बचा ली। 2002 में मेट्रो की शुरुआत के बाद इस तरह के हादसे कम होते थे, लेकिन नेटवर्क बढ़ने के बाद यहाँ सुसाइड की कोशिश करने वालों की तादाद बढ़ने लगी। पहला मामला सामने आया 2005 में। दिल्ली मेट्रो में खुदकुशी का पहला मामला साल 2005 में सामने आया। उसके बाद के सालों में ऐसे मामले कम आए, लेकिन 2012 से मेट्रो नेटवर्क में खुदकुशी की घटनाएं अचानक से बढ़ गईं। 2002 से 2011 के बीच 20 मामले सामने आए, उनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2012 से 2015 के बीच 146 मामले सामने आए, जिनमें कुल 52 लोगों की जान गई। 2012 में सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए। मेट्रो ने उठाए एहतियाती कदम। इसे देखते हुए डीएमआरसी ने कई जरूरी कदम उठाए, जिसके पॉजिटिव नतीजे सामने आए। डीएमआरसी ने न केवल अपने ट्रेन ऑपरेटर्स को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी, बल्कि जिन स्टेशन पर ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही थी, वहां कई तरह के एहतियाती कदम भी उठाए गए। मसलन दर्जनों एलिवेटेड स्टेशन पर रेलिंग की हाइट बढ़ाई गई, वहां जाली लगाई गई। कई स्टेशन पर सादे कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स और सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को फौरन रोककर उसे खुदकुशी करने से रोका जा सके। इमरजेंसी ब्रेक का रहा खास रोल। खास बात यह है कि इन बीते 13 सालों के दौरान मेट्रो नेटवर्क में खुदकुशी की कोशिश के 166 मामलों में 108 लोगों को बचा लिया गया। इनमें सबसे बड़ा योगदान मेट्रो के ट्रेन ऑपरेटर्स का, जिन्होंने अधिकतर मामलों में तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रैक पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की लोगों की कोशिशें नाकाम कर दी। मेट्रो के इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की खासियत ये है कि इसे अप्लाई करने पर 5 सेकंड के अंदर ट्रेन रुक जाती है। ऐसे में खुदकुशी की कोशिश कर रहे व्यक्ति को बचाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिल्ली मेट्रो जहां दिल्लीवासियों के लिए लाइफलाइन है, वहीं जान बचाने के मामले में इस आंकड़े से लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रही। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे इधर दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनें ऐसी भी हैं जहां पर महिलाओं से छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने इससे बचने के लिए कई उपाय भी किए, जिनसे इन पर थोड़ा नियंत्रण जरूर किया जा सके। देश की राजधानी में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होना कोई नई बात नहीं। हालत यह है कि इस प्रकार की घटनाओं से मेट्रो भी नहीं बची है। हालांकि मेट्रो में सीआईएसएफ का कड़ा पहरा है, बावजूद इसके कई बार घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिनके सामने आने के बाद या तो उन पर कार्रवाई होती है या उन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की 2 लाइनें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाती हैं। इसमें शामिल हैं दिलशाद गार्डन रिठाला और आईटीओ से मंडी हाउस और बदरपुर और आईटीओ लाइन। रिठाला, दिलशाद गार्डन और बदरपुर आईटीओ लाइन पर बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा वो मामले सामने आए हैं जिनमें पुरुष यात्री महिला डिब्बे में घुसते पाए गए और उनसे बदसलूकी के मामले सामने आए। इस लाइन पर हर माह 100 से ज्यादा पुरुष यात्रियों पर कार्रवाई की गई। वहीं एयरपोर्ट और यमुना बैंक नोएडा लाइन पर इस प्रकार की सबसे कम घटनाएं हुई। दरअसल जिन मेट्रो लाइनों पर छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं, वो मेट्रो लाइनें या तो दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगती हैं या फिर वो ज्यादातर अनाधिकृत कॉलोनियों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में इन्हीं लाइनों पर इन तरह की बस्तियों के आने के कारण ज्यादातर छेड़छाड़ के मामले नोट किए गए हैं। जब जांच करने वाली एजेंसी ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की तो उसने पाया कि इन्हीं कारणों के चलते इन लाइनों पर महिलाओं के साथ ज्यादा छेड़छाड़ होती है। हालांकि मेट्रो की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। एक ओर जहां बल के जवान सुरक्षा के तहत मेट्रो स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं, वहीं बल की काली नाम की महिला कमांडो की टीम को भी बदसलूकी करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए लगाया गया है। मेट्रो जांच के दौरान एक टीम में अमूमन एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला एएसआई और 1 पुरुष एएसआई सहित 7 कांस्टेबल होते हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से ललित नारायण कानपाल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।